हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठाते हैं आवाम से ही जुड़ा हुआ और आवाम से ही हम राय लेते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं किसानों का। साल 2020 की शुरुआत से ही किसान लगातार परेशान नजर आए। बात चाहे गन्ने की फसल की हो, सरसों की फसल की हो या फिर गेहूं की फसल की हो, किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते आए। किसान लगातार ये कहते आए कि उन्हें उनकी फसल के हिसाब से मुनाफा नहीं मिला। लेकिन अब फिलहाल किसानों ने नरमा की कपास की फसलें बोई हुई हैं, तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा से, भूना से, कालावली से, उकलाना से, जहां किसानों की नरमा की और कपास की फसलें खराब होने के कगार पर हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में जो ये फसल आपको नजर आ रही है नरमे की कपास की, ये अलग अलग बीमारियों की चपेट में है। देखिए सिरसा में किसान आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए किस तरह से ये फसल जो है यहां खराब नजर आ रही है। अलग अलग बीमारियों की चपेट में ये फसल आ चुकी है। करीब 80% फसल इन किसानों की खराब हो चुकी है। किसान विशेष गिरदावरी की भी मांग कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि प्राकृतिक मार के कारण नरमा की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। चाहे टिड्डियों की बात करें या फिर प्राकृतिक आपदा की बात करें या फिर सफेद मक्खियों की बात करें, तो देखिए किस तरह से यहां कीटनाशकों के अभाव में किस तरीके से फसलें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बीके यादव दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा नई टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो सरकार जो आने की एक तरफ तो नारा देती है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का भी नारा चल रहा है, तो किसान की जो आज तक 70 सालों की से जो बद से बदतर हालत हो गई है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, किसान के पास खाने के लिए अन्न रोटी नहीं है, अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन उसके पास किसान के पास आज ऐसे किसान बहुत फाइंड आउट करना मीडिया के माध्यम से कि उसके पास खाने का अन्न भी नहीं बचा है। बिल्कुल, कारण क्या है वो सरकार जाने या प्रशासन जाने, वो भली भांति जानते हैं, लेकिन किसानों के लिए जो बजट तो दिल्ली और चंडीगढ़ से चलता हमारे माननीयों के माध्यम से, वो किसान तक नहीं पहुंचता। 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी के शासन में किसानों की हालत श्री गणेश हुई है इम्प्रूवमेंट होने का, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। हम मानते हैं मोदी जी बहुत बड़ा ये कोरोना का भी संकट चल रहा है और ये बहुत भारी भरकम बजट है, एकदम किसानों के ऊपर इतना नहीं लुटाया जा सकता। एक छोटा सा परिवार हो तो दूसरी बात होती है, उसका तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पूरे भारत देश का जो किसान का परिवार है उसके लिए तो थोड़ा वेट हमें करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो जैसे जवानों के लिए जो फैसिलिटियां होती हैं, वो किसानों के लिए फैसिलिटियां होने की, एक तो किसान के लिए जो मुफ्त इलाज होता है किसान के लिए, आज ऐसे किसान देखे गए हैं चारपाई पे दम तोड़ रहा है इलाज के अभाव में, इलाज नहीं हो पा रहा है, कहने को तो आयुष्मान योजना लागू कर दी है लेकिन आम आदमी तक वो योजना जो पात्र है पात्रों तक ही नहीं पहुंच रही, आम आदमी तक किसान तक कैसे पहुंचेगी? तो मेरा सरकार से निवेदन है, एक तो जो सरकार ये फसल होती है ये लाइफ टाइम बीमा, बार बार बीमा करवाने की जरूरत नहीं होती, सरकार खुद बीमा करे और निःशुल्क किसानों का बीमा करे, पैसे वैसे किसानों के नहीं काटने चाहिए, इनके पास तो वैसे ही तंगी रहती है, फिर इनके पास बीमे के नाम पर और इनके ऊपर बेचारों के पास किसानों की आंखों में आंसू रुला रहे हैं। तो अन्नदाता जो है एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, खुद भूखा रह करके, खुद सर्दी सहन करके, गर्मी सहन करके, आवारा पशुओं से अपनी जान हथेली के ऊपर रखकर कितने किसानों की जान आवारा पशुओं से चली गई, या सरकार उनकी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, जो रोड पर घूम रहे हैं, किसानों की फसल उजाड़ रहे हैं, क्या उन्होंने उनका वो कर दिया गौशाला भेजने का कार्य?
गीता ज्ञान गंगा नारा नारा देना जानते हैं सरकार, लेकिन जान नारा देने से पहले उसको लागू करना चाहिए। जी चलिए बीके यादव, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर प्रदेश के किसान परिवारों से जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके में फसल का क्या हाल है और नरमे की कपास की फसल में वो फिलहाल किस तरह से वृद्धि देख रहे हैं और किस तरह से नुकसान भी देख रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रदेश के कई इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर अन्नदाताओं की जो फसल है वो पूरी तरह से खराब होती नजर आई, अलग अलग बीमारियों के चपेट में आई है कपास की फसल, कहीं पर सफेद मक्खी का कहर जारी है, कहीं पर टिड्डियों के चलते ये जो फसल है ये इनकी वृद्धि से पहले ही खराब होने के कगार पर नजर आई थी। और अब सवाल ये है कि अन्नदाता साल 2020 से लगातार परेशान नजर आ रहा है, तो क्या अब की बार सरकारी योजनाओं का किसान को फायदा मिलेगा, क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए है किसान? क्योंकि देखिए किसानों का मुद्दा लगातार विपक्ष की ओर से उठाया जाता है, सरकार की ओर से उठाया जाता है, लगातार कहा जाता है कि किसानों के हित में ये योजनाएं आएंगी, इतना हित किसानों का किया जाएगा, लेकिन आप देखिए जमीनी स्तर पर किसान 2020 की शुरुआत से ही तमाम योजनाओं का विरोध करते नजर आए, चाहे उचित गिरदावरी की बात हो चाहे योजनाओं की बात हो, तो किसान सरकार से नाखुश नजर आए, खफा नजर आए। तो सफेद सोने पर अब फिर कहर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए एक किसान के लिए उसकी जो फसल है वो सोने से भी अधिक कीमती होती है, क्योंकि अन्नदाता पसीने के साथ अपनी धरती सींचता है, उगाता है फसल को और फिर जाकर इस देश की जनता का पेट भरता है। तो ऐसे में जब भी किसान की फसल बर्बाद होती है तो क्यों बार बार बीमा कंपनियों के चक्कर काटे जाते हैं, किसी तरह का जो प्रावधान है वो बीमा कंपनियों की ओर से नहीं दिया जाता, कोई राहत कंपनियों की ओर से नहीं दी जाती। तो अब सवाल ये है कि जो नरमे की फसल खराब हुई है क्या उसका उन्हें नुकसान की भरपाई मिल पाएगी? सरकारी योजनाओं का किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच ये जनता का ही मंच है जिसमें हम आपके ही मुद्दे उठाते हैं, तो आज हम किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। किसान सरकार से नहीं तो फिर किनसे फरियाद लगाए? सफेद सोने के उत्पादकों पर संकट नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी सफेद सोने की जो फसल है वो लहलहाती नहीं बल्कि अलग अलग बीमारियों के चपेट में नजर आ रही है। अन्नदाताओं की सरकार से गुहार है कि विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजे की बात उनके समक्ष रखी जाए, गिरदावरी करवाई जाए। सुनील कुमार दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सुनील आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? और साथ ही ये भी बताएं आपके इलाके में किसानों का क्या हाल है, क्या स्थिति है? गाँव में से बोल रहा हूँ जी। मेरे इलाके में पूरा नरमा की फसल जो है ना खराब हो रही है, पूरी बुरा हाल है। और क्या सरकार कहते बीमा कराओ, बीमा अगर किसान कराएंगे तो बचेगा क्या? उसको 2,000 रुपए कंपनी बीमा करती है, फिर वो चक्कर काटते रहते हैं बीमा कंपनी वालों में। सुनील यहाँ आसपास के क्या और भी किसान हैं जिनकी फसल खराब हुई है? हाँ मैडम, आसपास और भी किसान हैं खराब हुई है। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से भी मांग है कि गिरदावरी करानी चाहिए सरकार ने, और जो फसल बीमा है इसके अपने खुद के पैसे भरते और सरकार किसानों को फायदा पहुंचाना चाहिए। और क्या है, किसान तो बेचारा, आपकी बात तो फसल है ही नहीं, मनरमा भी कहीं भी नहीं है पूरा। यहाँ पर हमारा इधर ये जो भिवानी गलत कपड़े सड़क गाँव है, यहाँ एक सड़क वाली भी बहनी है, तेलना वाली गाँव है, सब यहाँ पर बुरा हाल है। सुनील अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह से फसल खराब हुई, आपके यहाँ किस प्रकार से फसल खराब हुई है, बीमारी की चपेट में आने से या फिर पानी की अधिकता से? बीमारी की चपेट में आने से भी है कुछ मैडम, बरसात की वजह से भी, क्योंकि ये तो हवा है ना इसकी वजह से भी दादा। मैं भी खुद है, मैंने कम से कम 6-7 सत्र मार लिया, कोई असर नहीं है।
जी बहुत शुक्रिया सुनील कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी आवाज हम लगातार उठाते रहे हैं और प्रयासरत रहेंगे कि आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचा सकें। आप जो गुहार लगा रहे हैं वो आवाज सरकार तक पहुंचे और आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। तो आप देखिए कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो नरमे की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल के भी उचित दाम उन्हें नहीं मिले और सरसों की फसल के लिए भी वो संघर्षरत नजर आए। अगर बात ईख की करें तो ईख के चलते भी उनका यही कहना था कि सरकार की ओर से कोई लाभ किसानों को नहीं दिया गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कहीं ना कहीं जो किसान धान की खेती कर रहे हैं, हालांकि धान की रोपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जो आगामी फसलें हैं उनमें किसानों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अब नरमा की फसल का हाल देख लीजिए, ये अलग अलग बीमारियों की चपेट में आने से, बारिश होने से, फसलों में पानी भरने से तो फसल बर्बादी के कगार पर नजर आ रही है और कहीं पर तो फसल पूरी तरह से बर्बाद ही हो गई है। तो ऐसे में किसानों की जो गुहार है वो लगातार सरकार तक पहुंचाने के लिए हम संघर्षरत हैं, हम लगातार प्रयासरत हैं। तो तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तमाम किसान भाई भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि उनकी फसल फिलहाल किस स्थिति में है, कितने प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है और क्या किसी न किसी तरह से ये आसार माने जाएं कि अब की बार 2020 में उनको किसी न किसी तरह का लाभ मिलेगा। तो किसानों के लिए ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या किसानों को किए वायदे सरकार पूरे नहीं कर पा रही है और अन्नदाता के सुनने वाला क्या कोई नहीं है? क्योंकि विपक्षी दल तो लगातार किसानों का मुद्दा उठाते रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात हो, आढ़तियों और किसानों के बीच की बात हो, आढ़ती और किसानों के बीच लेन देन की बात हो। तो लगातार किसानों का मुद्दा विपक्ष के लिए तो मुद्दा बनता ही नजर आया। विपक्ष भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि देखिए नरमा की फसल खराब हो चुकी है और किसान मायूस भी नजर आ रहे हैं। अन्नदाताओं की सरकार से गुहार है कि किस तरह से सरकार उनको मुआवजा दे, सरकार की ओर से मदद की जाए, विशेष गिरदावरी करवाकर उनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की मांग लगातार किसानों की ओर से की जा रही है। अलग अलग बीमारियों की चपेट में कपास नरमे की फसल आई है और किसानों की इस हालत के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, सवाल ये भी फिलहाल उठ रहा है और विपक्ष लगातार सरकार के मुद्दे भी उठाता रहा है और इन मुद्दों के बीच में सवाल यही है कि किसानों का हित क्यों नहीं हो पाता है, क्या किसान सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाते हैं? तो लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, किसानों की प्रदेश में क्या स्थिति है और ये जो फसल फिलहाल उम्मीद के तौर पर देखी जा रही थी फिर नाउम्मीदी लेकर आई है, किसान फिर से परेशान नजर आ रहा है। हालांकि ये अब की बार उम्मीद जरूर थी कि 2020 में अब जो नरमे की फसल है, जो कपास की फसल या फिर जो किसानों ने धान की रोपाई की है, इनसे किसानों को जरूर आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है, जिस तरीके से प्राकृतिक मार के चलते अब की बार फसलें भी खराब नजर आ रही हैं, तो ऐसे में किसान डगमगाए हुए नजर आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि अन्नदाताओं की सरकार से गुहार क्या पूरी हो पाएगी, क्या सरकार इन किसानों की मांग को पूरा कर पाएगी? अलग अलग बीमारियों के चपेट में कपास की फसल आई है, कहीं पर पानी की अत्यधिक मात्रा के चलते फसल खराब हुई है, तो कहीं पर जो सफेद मक्खी है इनके कहर के चलते फसल बर्बाद हुई, कहीं पर टिड्डी के चलते। तो ऐसे में सवाल यही है कि अगर किसान परेशान है तो फिर इस परेशानी का निदान करना किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष भी लगातार किसानों के
हित के लिए सरकार को घेरता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि किसानों का हित कब होगा? किसान या फिर राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाते हैं, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाते हैं। सरकारों की ओर से लगातार कहा जाता है कि वो किसानों का हित करेंगे, किसानों को उचित रेट दिया जाएगा, और फिलहाल प्रदेश का किसान जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं उनका भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें सरकार की ओर से कितनी मदद मिल पाएगी?